कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सारे पक्षी कोई ना कोई घोंसला ज़रूर बना लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा या हमें इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं होता है कि आखिर ये घोंसला हमारे घर में शुभ है या अशुभ। आपको बता दें, कबूतर का घोंसला या फिर मधुमक्खी का छत्ता, साथ ही जगह जगह पर और भी कई पक्षी हमारे घर में घोंसला तो बना लेते हैं, लेकिन हमें इसका नकारात्मक असर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं उन पक्षियों के घोंसलों के बारे में जो आपके घर में आसानी के साथ बना लेते हैं और समस्याएं हमारे घर में बहुत जल्द आने लगती हैं। चलिए आपको बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार कबूतर का घर में घोंसला बनाना आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं माना जाता है। यही कारण है कि घर में आर्थिक समस्याएं काफ़ी ज़्यादा पैदा होने लगती हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना भी झेलना पड़ता है। वहीं मधुमक्खी का छत्ता घर में होना जितना ही खतरनाक होता है, उतना ही ये आपके घर के लिए काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्य और दरिद्रता ज़रूर लाता है। वहीं आपको बता दें, अगर घर की दीवारों में जगह जगह पर छेद हों तो इससे दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपके घर में बहुत ज़्यादा छेद नहीं होने चाहिए, आप उनको तुरंत भरवा लें। साथ ही आपको बता दें, आपको सुअर रास्ते में दिख जाए तो आपको बता दें कि सुअर अगर कीचड़ में लिपटा दिख जाए तो शुभ होगा। वहीं अगर सूखा हुआ सुअर आपको रास्ते में दिखता है तो ये भी अशुभ माना गया है। उसके संकेत भी बहुत ज़्यादा सटीक बताए गए हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।